हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 6 फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ 2 केजी ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ 4 केजी ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.20। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू पार्ट ए द अपर ब्लॉक and part B is the lower block. Take G equal to 10 meter per second square. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ब्लॉक दिया हुआ है A और B. ब्लॉक A की मास जो दी हुई है वो 2 के जी है, ठीक है। तो अगर एम ए यहाँ पर 2 के जी दी हुई है और ब्लॉक B की मास, इसको हम एम बी से डिनोट करते हैं, ये 4 के जी दी हुई है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है बिटवीन ए एंड बी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये दी हुई है 0.20। ए एंड बी इज म्यू से डिनोट करते हैं, 0.20 दी हुई, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और दो केस दी हुई है। तो फर्स्ट केस में क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है बॉडी ए पर, और दूसरे केस में बॉडी बी पर सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। दोनों केस में ए और बी की क्या एक्सेलरेशन होगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों केस हम ले लेते हैं। चलिए, पहला केस में आपका है पार्ट ए, आपका हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इक्वल टू Horizontal force F equal to 12 newton is applied on block A, ठीक है, applied on block A और upper block, ठीक है। इधर यहां पर अगर हम apply कर रहे हैं horizontal force F equal to 12 newton, तो अब देखिए हम motion of block A देखते हैं। मोशन ऑफ ब्लॉक ए, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे हम ब्लॉक ए का। चलिए, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। क्या क्या फोर्स लगेगा? एक डाउनवर्ड फोर्स आपका वेट जो है, ठीक है। तो मास हमारा एम ए है, तो एम ए टाइम्स जी, और नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ए एंड बी के बीच में अगर एन वन है तो एन वन लगेगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स हमारा एफ है, राइट डायरेक्शन में ये दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है। और लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी टेंड्स कर टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू, इसे हम एफ ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ ए इक्वल टू म्यू टाइम्स एन वन, ठीक है। एक्सेलरेशन ले लेते हैं इस ब्लॉक का ए ए, ठीक है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ए ए है टुवर्ड्स राइट। चलिए, तो फोर्सेस को लिस्ट कर लेते हैं। पहले फोर्सेस आर, पहला आपका हो गया एम ए जी डाउनवर्ड्स, ये वेट हो गया डाउनवर्ड्स। दूसरा फोर्स आपका हो जाएगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एन वन, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एन वन, एन वन बाय बी ऑन ए, ठीक है, ऑन ए। डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। थर्ड फोर्स हमारा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स एफ टुवर्ड्स राइट, अप्लाइड फोर्स एफ, फोर्स एफ टुवर्ड्स राइट। और क्या है? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स एफ वन, फोर्स एफ वन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन वन टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। हमने लिस्ट कर लिया। अब देखिए, एक्सेलरेशन ब्लॉक का है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, As
एक्स ब्लॉक ए हैज मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एन वन लग रहा है, देयरफॉर एन वन इक्वल टू एम ए जी, ये हम इसे हम इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू टाइम्स एन वन इक्वल टू एम ए टाइम्स ए ए, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यूजिंग वन एन वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ माइनस म्यू एम ए जी इक्वल टू एम ए इंटू ए ए यूजिंग इक्वेशन वन, ठीक है। यहां से हमें ए ए मिल जाएगी, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एफ हमारी है 12 न्यूटन माइनस म्यू 0.2 मास ऑफ ब्लॉक ए 2 केजी, जी 10 लेने हैं हमें, इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक ए 2 इंटू ए ए, तो यहां से ए ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 बाय 2 ये आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब दूसरा देखिए, मोशन ऑफ ब्लॉक बी देखते हैं हम, मोशन ऑफ ब्लॉक बी, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। चलिए, ये अगर हमारा ब्लॉक बी है, इसके वेट एम बी है, तो वेट हो जाएगा आपका एम बी इंटू जी, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स फ्लोर जो है बी पर कितना लगाएगा, एम टू, ठीक है। और देखिए बी जो है ए पर कॉन्टेक्ट फोर्स एन वन लगा रहा है, तो बी भी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बी पर भी ए लगाएगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन वन, ठीक है। अप्लाइड फोर्स इसमें नहीं है, तो बी पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ, सेम फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू एन वन, ठीक है, ये भी एफ वन ही होगा, तो डायरेक्शन यहाँ अलग है, ठीक है। तो लिस्ट कर लेते हैं फोर्सेस को, फोर्सेस और इसकी एक्सेलरेशन सिर्फ ये फ्रिक्शन के कारण ही होगी, ठीक है, इसके मोशन फ्रिक्शन के कारण होगी, और एक्सेलरेशन इसका हम ए बी अज्यूम कर रहे हैं। फोर्सेस आर क्या क्या है, पहला आपका वेट एम बी टी डाउनवर्ड्स, ठीक है, दूसरा हो गया नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्स एन वन बाय ए ऑन बी, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स। थर्ड हो जाएगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बाय फ्लोर, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बाय फ्लोर ऑन बी, ठीक है, फ्लोर ऑन बी कितना, ये एन टू इन अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड्स, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ वन इक्वल टू, चलिए इसे अपवर्ड अप मूव कर लेते हैं। फोर्थ हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ वन इक्वल टू म्यू एन वन टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब देखिए मोशन यहां भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो एम टू हो जाएगा एन वन प्लस कितना हो जाएगा एम बी जी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, इसे हम इक्वेशन टू ले लेते हैं। दूसरा क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एफ वन इक्वल टू म्यू एन वन, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वही एक्सेलरेशन काउज करेगा, तो एम बी इंटू ए बी, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एन वन की वैल्यू वन से, तो म्यू एम ए
into g equal to mb into ab using 1, ठीक है। और यहाँ आप सारे वैल्यूज जो हमें नोन है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 0.2 एम ए 2 के जी, जी 10, एम बी हमारा 4 के जी है, और ए बी कितना, ए बी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 4/4 इक्वल टू 1 m/s², ठीक है, ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक इज, अपर ब्लॉक इज 4 m/s² एंड लोअर ब्लॉक इज 1 m/s², ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। चलिए, ये हमने पार्ट ए का सॉल्यूशन अभी डिस्कस किया। पार्ट बी में क्या है कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग ऑन ए, बी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पार्ट बी क्या केस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इक्वल टू 12 N इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, ठीक है। यहां पर हमने इसे लोअर ब्लॉक को बी से डिनोट किया, ठीक है। चलिए ये केस में अब देखते हैं, दोनों ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करते हैं। ये हमारा पहला ब्लॉक हो गया ब्लॉक ए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगा बाय बी ऑन ए, इसे हम एन वन लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए इंटू जी, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में एफ वन इक्वल टू म्यू एन वन, और इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण ब्लॉक ए मूव करेगा, इसकी एक्सेलरेशन हम एज्यूम कर लेते हैं ए ए, ठीक है। मोशन ऑफ ब्लॉक ए, मोशन ऑफ ब्लॉक ए, क्या क्या फोर्सेस हैं लिस्ट कर लेते हैं। पहले हम फोर्सेस आर, पहला आपका हो गया वेट एम ए जी डाउनवर्ड्स, दूसरा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स एन वन एन वन बाय बी ऑन ए, ये भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। थर्ड फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा एफ वन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन वन टुवर्ड्स राइट, ठीक है। यहां हमारा मोशन राइट डायरेक्शन में है तो वर्टिकल फोर्स जो है बैलेंस हो जाएगा, देयरफॉर एन वन इक्वल टू एम ए जी, इसे हम इक्वेशन 3 अज्यूम करते हैं, एंड म्यू एन वन जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके कारण एक्सेलरेशन होगा, तो एम ए इंटू ए ए, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 से एन वन की, ठीक है, म्यू एम ए जी इक्वल टू एम ए इंटू ए ए, ठीक है। एम में दोनों साइड आपका कैंसल आउट होगा। अब देखिए ए ए इक्वल टू म्यू टाइम्स जी, और म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये 2 m/s², ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए आ गया। अब हम मोशन ऑफ ब्लॉक बी देखते हैं। मोशन ऑफ ब्लॉक बी, यहां भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और फोर्सेस को लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ब्लॉक बी, अप्लाइड फोर्स एफ टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लेफ्ट, और ये फ्रिक्शन फोर्स भी एफ वन होगा बट डायरेक्शन बस अपोजिट होगा, एक ए पर राइट है इस पर लेफ्ट होगा, ठीक है, म्यू एन वन। और एन वन क्या है हमारा, यहाँ ब्लॉक ए अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
और M2 जो है फ्लोर के कारण कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है, B के ऊपर, और क्या वेट MB इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम राइट डायरेक्शन में ही AB एज्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फोर्सेस लिस्ट हम कर लिए हैं, कर लेते हैं, ठीक है। पहला फोर्स क्या हो जाएगा, MBG डाउनवर्ड्स, दूसरा फोर्स हो जाएगा N1 बाय A ऑन B, ये भी डाउनवर्ड्स, थर्ड फोर्स, थर्ड फोर्स क्या है, N2 नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बाय फ्लोर ऑन ब्लॉक बी, ये अपवर्ड्स, फोर्थ फोर्स हो जाएगा आपका अप्लाइड फोर्स F टुवर्ड्स राइट, अप्लाइड फोर्स F टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और एक बच गया हमारा फ्रिक्शन, तो ये फिफ्थ फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट में, F1 इक्वल टू μN1 टुवर्ड्स लेफ्ट, यहां भी हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस होगा, देयरफॉर N2 इक्वल टू N1 प्लस MBG, एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा एफ माइनस μN1 इक्वल टू MBA, ठीक है। N1 की वैल्यू हम 3 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ माइनस μMAG इक्वल टू MB इंटू यहाँ AB होगा, ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, AB वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारे, एफ हमारा है 12 न्यूटन माइनस इसकी वैल्यू 0.2 μ हो गया, ब्लॉक ए की मास 2 kg इंटू G10 और MB4 इंटू AB हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ 12 माइनस 4 8, तो AB हमारी आ गई 4 बाय 12 माइनस 8, ठीक है, 12 माइनस 4 8 बाय 4 इक्वल टू 2 m/s², ठीक है। तो केस बी में ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन और बी की एक्सेलरेशन सेम होगी, दोनों 2 m/s², हेंस एक्सेलरेशन ऑफ अपर एंड लोअर ब्लॉक्स, एंड लोअर ब्लॉक्स विल बी 2 m/s² इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ओके फ्रेंड्स। तो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।